हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और दिन भी बहुत मस्त जा रहा हो। अगर नहीं जा रहा हो, प्रे करता हूँ कि आपका दिन बहुत मस्त जाए। तो आज है संडे, मतलब 3rd of July, और मैं अभी भी आश्रम में हूँ। और मैं आज जा रहा हूँ कमक्कड़ टेम्पल घूमने। मैंने प्रॉमिस किया था मैं कमक्कड़ टेम्पल घूमने जाऊँगा, और आप लोगों ने कॉमेंट पर भी बोला है कि कमक्कड़ टेम्पल घूम के आओ। तो मैं आज सुबह, अभी कितना टाइम हो रहा है, 7:30 हो रहा है, और मैं अभी निकल रहा हूँ कमक्कड़ टेम्पल के लिए। और मेरा यहाँ से कमक्कड़ टेम्पल का जो डिस्टेंस है वो है लगभग 30 मिनट के आसपास। तो अभी ओला मैंने बुक कर दिया, मैं तैयार भी हो चुका हूँ पूरा, एंड लेट्स गो। बट एक दिक्कत, मुझे डाउट लग रहा है कि मतलब ये कैमरा अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, कन्फ्यूजन में हूँ। गूगल में तो मैंने सर्च कर लिया कि कैमरा अलाउ होगा कि नहीं होगा, बट दे आर सेइंग कि कैमरा अलाउड है, बट अंदर एक कुछ मूर्ति है, मूर्ति मतलब माता जी का मूर्ति शायद हम लोग टच करती है, कुछ तो है, कुछ तो है। बोला है कि व्हेन एवर यू आर टचिंग सम मनी, लिखा हुआ है उनका नाम, एंड उस टाइम पे कैमरा अलाउड नहीं है। तो मतलब टचिंग मतलब प्रणाम करने के लिए जो होता है, तो उस टाइम पे शायद कैमरा अलाउड नहीं करी। बट आउटसाइड द टेम्पल और इनसाइड द टेम्पल हाँ, तुम कैमरा लेके शायद ब्लॉक कर सकते हो। तो मैं थोड़ा रिस्क लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अगर वो लोग अलाउड नहीं करते तो ये मैं कैमरा रखूँगा कहाँ रखूँगा पता नहीं। 4425 फाइनली ओला में बैठ गए, एंड डिस्टेंस जो बता रहे हैं वो 8:25 को हम लोग पहुँचेंगे ऐसा बता रहे हैं, और अभी जो टाइम हो रहा है वो है 7:55। आ चुके हैं फाइनली, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है थोड़ा सा, आगे जाते हैं, आगे जाके देखते हैं। यहाँ पे शूज आप रख सकते हो, अलग अलग स्टेज पे रखा हुआ है। आप लोग जिस शॉप से मतलब वहाँ पे पूजा के लिए प्रसाद लेना पड़ता है वो लोग है, उसी शॉप में आप लोग शूज वगैरह ये सब सबमिट कर सकते हो, जैसे कि इस तरीके से रखा हुआ रहता है। और यहाँ से आप लोग मतलब पूजा के सामान ले सकते हो आराम से। हम लोगों ने ये इसको क्या बोलते हैं, फूलदानी है ना, मतलब भगवान जो भोग चढ़ाते हैं, भोग बोलते हैं इसको। तो हम तीनों ने, बाय द वे ये मेरे दीदी है, गुवाहाटी में रहती है, तो आज बोला है कि आ जाओ हम लोग सब मिल के माता जी के दर्शन करते हैं। प्रसाद है, अभी चलते हैं। चुन्नी लिया है, चुन्नी लिया है, प्रसाद है, नारियल है, नारियल है, और इधर तो ये दिया, दिया सिंदूर, सिंदूर ये सब कुछ है। जो संडे है तो संडे के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है, जो हम लोगों ने एज्यूम किया है। वैसे सेम त्रिपुरेश्वरी टेम्पल में भी रहता है, संडे के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। आ? अभी क्या ले रहे हो? ये लिया है, ये हाथ मारने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, जय माँ कामाख्या। ठीक है, 20 होगा, 20 दे दो, कम नहीं है। अच्छा ठीक है, एक एक ले लियो। फुल कमक्का टेम्पल, यहाँ से एंट्री होने के बाद आपको ऐसा दिखेगा। सो गाइस, दिस इज द लाइन, और ये लाइन पीछे भी गया हुआ है। मैं फर्स्ट टाइम, और मैं पहली बार आया हूँ, इससे पहले इतना लंबा लाइन मैंने कभी नहीं देखा है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रहा है कि मैं पूरा पसीने से भीग चुका हूँ, मतलब आदत नहीं है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन जय माता दी, कामाख्या देवी के नाम लेके मैं रुका हुआ हूँ, अभी देखते हैं कब तक हम लोग पहुँचते हैं। सो देयर इज़ ए ऑप्शन, वो बोलते हैं VIP पास, वो हर जगह पे आजकल देख रहा हूँ, मतलब केदारनाथ पे भी है VIP पास, आप अगर वृंदावन जाओगे वहाँ पे भी है VIP पास। अभी यहाँ पे कामाख्या देवी टेम्पल में आया हूँ आश्रम में, तो यहाँ पे भी VIP पास है। इफ़ यू पे 500 रुपीज़ तो आपको अलग से शॉर्ट टाइम में माता जी का दर्शन हो सकता है, मतलब अलग से आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हो, इफ़ यू आर ए कॉमन मैन मिडिल क्लास हो, तो फिर ऐसे लाइन पे खड़े हो कि आपको माता जी का दर्शन करना होगा। तो सेम जिन चीज़ें मतलब वृंदावन और क्या बोलते हैं केदारनाथ में भी मैंने नोटिस किया है, केदारनाथ तो मैं गया नहीं हूँ, पर वृंदावन गया था, आप लोगों को नहीं देखा पाया,
बट वृंदावन में भी सेम थिंग एंड केदारनाथ में और दो तीन टूरिस्ट गए हुए थे तो उन्होंने सेम चीज़ें बताया और वहाँ पे पैकेज जो है वो 8,000 का रहता है मतलब केदारनाथ में। लेट्स सी क्या होता है। मेरा और एक दोस्त जाने वाला है कुछ दिन, उससे भी पता लगेगा। तो अभी तक जहाँ थे ना वो था मंदिर के बाहर वाले साइड, इसके बाद होगा मंदिर का एंट्री वाला साइड। तो अभी मैं इस जगह पे आ रहा हूँ, यहाँ से जो व्यू है ना वो सच में इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो दिस इज द टेम्पल। हाँ यहाँ से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये, और यहाँ से अगर नीचे जाओगे तो दूसरा एरिया मिलता है। और ये जो टेम्पल है ना ये मतलब अगर कंपेयर करोगे ओवरऑल गुवाहाटी सिटी से बहुत हिली एरिया पे है ये टेम्पल, मतलब दिस इज कामाख्या टेम्पल। अभी हम लोग पीछे उस तरफ वहाँ पे लाइन हो रहा था तो यहाँ से मैं ऐसे आया और यहाँ पे मैंने व्यू देखा, मैंने बोला कि नहीं ये व्यू कैप्चर करना तो बनता है, इतना ऊपर आ चुका हूँ तो व्यू कैप्चर करना इज इम्पॉर्टेंट। इतना खूबसूरत लग रहा है, अगर मेरे पास जूम लेंस होता दिस इज लिटरली ब्यूटीफुल। और ये सब जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हो ये सब पब्लिक मतलब अपना जो ये मंदिर का एरिया है इसके बाहर वाले ये साइड पूरा पूरा पब्लिक एरिया है। आई मीन ये सब अपना मतलब इंडिविजुअल बिल्डिंग है, ऐसा नहीं कि कामाख्या देवी के टेम्पल से प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ से देखो लाइन, यहाँ से सामने से एंट्री होता है। ये देखो भाई भीड़, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और सामने और एक स्टेप होगा, ये देखो ये जो आप देख रहे हो ये पूरा लाइन है। और ये लाइन यहाँ से नहीं, ये लाइन स्टार्ट हुआ है वहाँ से ऐसे करके आता है। ये पूरा जो लाइन है मतलब नॉर्थ ईस्ट में वन ऑफ द बिगेस्ट आप क्राउड बोल सकते हो, मतलब इतना ज़्यादा क्राउड मैंने और कहीं पे भी नहीं देखा है। आई मीन अनबिलीवेबल। देख तो ये जो भीड़ देख रहे हो ये आपको ये वाला लाइन क्रॉस करने के बाद मिलता है। एंड दिस इज सेल नंबर 3। सेल नंबर 1, 2, 3 आप देख ही रहे हो क्लियरली। और ये प्रॉब्ली कहा जाता है कि हर संडे को इतना ज़्यादा भीड़ रहता है और यहाँ पे मुझे वेट करना पड़ेगा अप्रॉक्स 3 से 4 घंटे के आसपास, फिर वहाँ से घूम के ये जो देख रहे हो यहाँ से जाके माता जी के दर्शन होते हैं। और एक बात बताओ, भीड़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, आई मीन कुछ हद से ज़्यादा। सुबह लगभग 7 बजे के आसपास मैं आया था यहाँ पे और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 10:37 और अब जब मैं इतना यहाँ पे आके बैठा हूँ और इसके बाद भी मुझे 3-4 घंटे रुकना पड़ेगा फिर हम लोग पहुँचेंगे माता जी के मंदिर के पास। और आप तो क्राउड देख ही चुके होंगे एंड बट ठीक है, आज का दिन पूरा मैंने ले लिया तो चलता है। आज शाम को फ्लाइट करने वाला था लेकिन नहीं किया, कल सुबह का किया। मैंने बोला आज अगर कामाख्या टेम्पल जाऊँगा तो टाइम तो लगने वाला है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आज का फ्लाइट मैंने मतलब डिले कर दिया, फिर कल सुबह जाएंगे। 10:30 को शायद फ्लाइट है। कितनी बार हो चुका है कामाख्या टेम्पल? 5 बार ना? 5th टाइम। दीदी ने ऑलरेडी 5 बार कामाख्या टेम्पल मतलब घूम लिए, मेरा फर्स्ट टाइम है। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा भीड़ में मैंने कभी गया नहीं हूँ। 12:30 हो चुका है और हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। फिलहाल पहले हम लोग 3 नंबर केबिन में थे, अभी नंबर 2 में आ गए, इसके बाद नंबर 1 में शिफ्ट होंगे, फिर ऐसे करके इसी वाले रास्ते से यहाँ से जाना है। आपका प्रोसेस भी सिंपल है, आपको आना है इसी रास्ते से, यहाँ से आने के बाद आपको यहाँ से एंट्री मिलता है, फिर यहाँ पर आपको बैठना होगा, वैसे लाइन पर आपको जाना है, मतलब सीरियल वाइज आपको लाइन मेंटेन करना है और धीरे धीरे करके जाते रहे। पहले हम लोग यहाँ पर बैठे थे तो पीछे घूम के आपको ऐसे जाना है। और अगर आप बाहर बैठे हो ये भी लाइन है, ये भी एक तरह की लाइन है, ये जो बाहर लोग बैठे हुए, हम लोग पहले इधर बैठे हुए थे फिर अंदर गए फिर सीक्वेंस हुआ है अभी लाइन पे। और यहाँ पे देखो सब लोग अभी धीरे धीरे करके बैठ रहे हैं क्योंकि हमें बैठना है थोड़ी देर के लिए। तो ये एक तरीके से लेक है, अभी ये बंद करके रखा है पता नहीं क्यों। वहाँ पर पुरोहित जी बैठ के पढ़ रहे होंगे शायद कुछ, तो जो भी है मतलब अभी बंद करके रखे हुए हैं यहाँ पे, अभी अलाउड नहीं। अलाउड है कुछ लोग तो बैठे हुए हैं बट बाहर से कहीं पे तो अलाउड है। हमारा पूरा दिन तो अभी मतलब लाइन पे लग रहा है, ये देखो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 2 बज रहे, 2:08 दोपहर को 2 बज रहे। सुबह 7 बजे आया था, कुछ नहीं खाया था हम लोगों ने, तो अभी दोबारा बुला रहे हैं। चलो तो सुबह 7 बजे से अभी तक मतलब हम लोग लाइन पे चल रहे हैं। ये देखो नेट के बाहर, बाहर का लाइन देख रहे हो कितना लंबा है,
अब समझ ही पा रहे हो। तभी हम सब लोग बैठे हुए यहाँ पे। अभी टाइम कितना हो रहा है? टाइम 2:40 हो रहा है। अभी तक हम लोग वेट कर रहे हैं, मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है कि हाँ हाफ डेस्टिनेशन पहुँच गए। लेकिन 1 आवर के आसपास मतलब अभी भी वेट करना होगा, फिर जाके मंदिर मिलेगा शायद से। तो यह है मेन मंदिर जिसमें हमें जाना है, और हम लोग ऐसे लाइन करके वैसे करके वैसे करके घूम के इससे वहाँ से जाना पड़ेगा। देख रहे हो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 3:53, मतलब शाम को 4 बज रहा ऑलमोस्ट। हम लोग लाइन पे खड़े थे, अब जब यहाँ पे पहुँचा हूँ ये देखो। एंड यू नो व्हाट, हम लोग जिस तरह से आप लोग देख रहे हो उसी तरीके से आना होता है, वैसे वैसे लाइन पे आना होता है, फिर ऐसे यहाँ से आके फिर ये लाइन सामने और भी है, ऐसे घुमा के जाना होगा। तो फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं। बाप रे, अभी जो टाइम बता रहा हूँ आपको 5:30 हो रहा है सुबह 7 बजे से 5:30 तो। लेकिन जो प्रक्रिया था, जो भी प्रोसेस था, दैट वाज वर्थ इट। यहाँ से आपका एग्ज़िट होता है मंदिर से, आपको एग्ज़िट होके फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को एक बार सामने दिखाता हूँ। यहाँ पे गणेश का मूर्ति है, वो देखो उनका आँखें देखो, पूरा ओरिजिनल लगता है, पूरा का पूरा ओरिजिनल लगता है। ये देखो आँखें देखो, बस उनका आँखें देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जोर से मार, ओदिके मार, ओदिके पौधा पौधा। तभी मुझे ऑटो मिल गया घर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर दूरी पे रहे। व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट से आप लोगों को पूरा जो आश्रम है कितना खूबसूरत लगता है मैं दिखाता हूँ। मतलब आई मीन अनस्पीचेबल, दिखाने के बाद आप समझ पाओगे मैं जहाँ से हूँ यहाँ से कितना खूबसूरत दिख रहा है अभी। सो दिस इज व्यू, मतलब व्यू पॉइंट ऑफ आसाम। आप अगर मतलब यहाँ से रोड है, जैसे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो कामाख्या टेम्पल के लिए जाते हैं ये रोड, और ये है आसाम का व्यू पॉइंट। मतलब मैं स्पीचलेस हो चुका हूँ। और आपको मैं एक नदी दिखाता हूँ, वो है ब्रह्मपुत्र नदी। एंड नदी कहाँ पे है दिख रहा है क्या? उस साइड यहाँ पे थोड़ा सा पानी दिख रहा होगा उस साइड में पूरा, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। और बाकी ये देखो आसमान कितना सही रखा है, और व्यू पॉइंट आप समझ ही पा रहे हैं। यहाँ से फ़ोटो तो बनता है, बस मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक कर, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो फिर ये लाइट नहीं आएगा। तो फोटो खींचने के बाद आपसे बात कर, अनबिलीवेबल व्यू। अच्छा करता हूँ, ये वाला ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया है, तो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए जो लोग कामाख्या टेम्पल पर विजिट करना चाहते हैं। जो भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है वो पूरी ब्लॉग में मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, बट कुछ चीज़ों के लिए मैं सॉरी और एपोलॉजी मांगना चाहता हूँ। देखो दो चीज़ें हुआ था, एक हुआ था कि मैं बीच में मोबाइल से ब्लॉग कर रहा था, ठीक है, क्योंकि टेम्पल के अंदर कैमरा अलाउड नहीं थे। इवन जो आप माता के दर्शन के लिए वहाँ पे भी मोबाइल अलाउड नहीं थे, तो कैमरा जब अलाउड नहीं थे मैंने ट्राइपॉड कैमरा और जो माइक का जो कॉम्बिनेशन था, जो सेटअप था, वो मैंने सेपरेट कर दिया और बैग में डाल दिए, क्योंकि अगर कैमरा देंगे लोग वो लोग फाइन करेंगे 2,100 रुपीज़, तो मैंने बैग में डाल दिया। एंड मोबाइल से मैं तब तक कुछ देर के लिए शूटिंग कर रहा था। इवन जब अंदर जा रहे हो तब मोबाइल भी आपको स्विच ऑफ करना पड़ा, जो ओरिजिनल माता है वो आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा जब तक आप खुद दर्शन नहीं कर पाओगे। तो ये सब लोग कहते हैं कि माता के दर्शन मिलना एक भाग्य, मतलब अच्छी बात है, भाग्य की बात है, मतलब लाख की बात होता है।
तो इसलिए मोबाइल पे वो लोग अलाउड नहीं करते। इवन अगर अलाउ करेंगे तो भी साइलेंस मोड में कैमरा आप नहीं निकाल सकते हो, अदरवाइज आपको फाइन किया जाएगा। तो ये इसके चक्करों में मैंने अंदर की फुटेज मतलब ये ले नहीं पाया। और दूसरी चीज़, जब मैं बाहर निकला तब मैंने दोबारा करके कैमरा सेटअप किया। अब कैमरा सेटअप में पता नहीं मुझे क्या दिक्कत हुआ था, किसी तरह माइक की पोर्ट में पानी जम गया था, पता नहीं। मैं तो ब्लॉक कर रहा था, मुझे याद नहीं था। मैं तो मैंने मतलब उस टाइम भी इतना पसीने से पूरा दिन मतलब कुछ नहीं खाया था, परेशानी के चक्कर में मैं ब्लॉक कर रहा था। मुझे लगा कि सेटअप सही है, बट अभी जब मैंने उस दिन का जो टेंपल दर्शन होने के बाद जितने सारे मैंने ब्लॉक किया, मेरे साथ बहुत दोस्त भी मिले, मैं उनके साथ भी ब्लॉक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो साउंड है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं फ़ोटो लगा दूंगा, जैसे वो लोग आप अभी देख रहे हो, ये लोगों के साथ मैं मतलब मैं बोल रहा हूँ लेकिन माइक का आवाज़ जो है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह से जितने सारे फुटेज थे वो मुझे कैंसिल करना पड़ा। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा माइक का जो प्रॉब्लम था मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मैं जब आज एडिट करने बैठा हूँ तब मुझे दिख रहा है कि भाई माइक का प्रॉब्लम हुआ है, जो साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा था। अब मुझे नहीं पता क्यों हुआ था, एंड अभी मुझे चेक करना पड़ेगा ये माइक का प्रॉब्लम है कि क्या है। और वैसे ज़्यादा कुछ मिस नहीं हुआ है, मेजर ऑफ द पार्ट मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। बस बाहर जब निकल रहा था तब मैंने व्लॉग में ही बस इन लोगों से बात किया था, वो लोग भी बहुत ही अच्छे लोग हैं। मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन लोगों की वजह से मतलब हमारा जो टाइम है वो बहुत कंज्यूम हो गया है। इस लाइक कि हमें 10 से 12 घंटे के आसपास लगे थे, अगर वो लोग नहीं होते और टाइम लगा था, और टाइम लगने वाला था, क्योंकि वो लोग हमें बहुत हेल्प किए थे आगे जाने के लिए और बोल रहे थे कि आगे आ जाओ हमारे साथ, चलो वैसे करो। तो एंड दे आर वेरी वेरी स्वीट, आई वुड लाइक टू थैंक देम कि उनकी वजह से हमें थोड़ा सा भी मदद मिला। एंड वो लोग भी मतलब वेरी स्वीट, उन लोगों के साथ जो भी मैंने कैप्चर मतलब मोमेंट जो कैप्चर किया था वो लोग जो भी बोले थे, शायद उन माइक की प्रॉब्लम की वजह से उनका आवाज़ मैं अभी आप लोगों को नहीं सुना पा रहा हूँ, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अगर आप लोग भी देख रहे हो, आई होप आप सब लोग देख रहे होंगे, टाइम पे बहुत सारा बहुत ही शानदार वीडियो आने वाले हैं, बहुत जगहों में मैं विजिट करने वाला हूँ। तो कनेक्टेड रहो और कमेंट सेक्शन में बताओ आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है, या फिर आप कैसे जाना चाहते हो। जो भी दुविधाएं रहती है, जो भी क्वेश्चन रहता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड हाँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जो भी प्रॉब्लम मुझे माइक का हुआ था। एंड मतलब मैं एडिट करते वक्त शॉक हो गया, मैंने बोला ये क्यों हुआ था, मतलब मेरे साथ क्यों होना था। एंड कोई बात नहीं, होता है, गलती सबसे होता है, और मुझे पता नहीं था, जेन्युइनली मैं जानबूझ के नहीं किया था। मुझे पता था कि ये तो हो जाता है, मैंने इससे पहले बहुत बार मैंने रीचेक किया था सेटअप करने के बाद, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था मैंने चेकअप नहीं किया था, मैं ऐसे ही स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से मतलब यहाँ पे मैं गलत हो गया। अब मुझे अभी मतलब ये भी चेक करना होगा कि माइक ख़राब हो गया तो नहीं, तो ये कन्फ्यूजन भी मेरे दिमाग में आ रहा है। जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो से शायद ये प्रॉब्लम मैं सुधर लूँगा। तो बने रहिए, तो मिलते हैं और एक दिन नया ब्लॉग नया कॉन्टेंट के साथ, और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।